नमस्कार दोस्तों, अगर आप फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं या फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं परंतु आप कंसीव नहीं कर पाते हैं या फिर कंसीव कर पाते हैं परंतु कुछ दिनों के बाद गर्भपात हो जाता है यानी कि अबॉर्शन हो जाता है, तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे और इसका एक होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन एंटी मिस कॉम्बिनेशन के बारे में जानकारी दूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो मैं डॉक्टर आमिर, आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों करते हैं शुरू। दोस्तों, अगर आप फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं या फिर फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं परंतु जैसे ही आप फैमिली प्लानिंग करते हैं परंतु कंसीव नहीं कर पाते हैं या फिर कंसीव कर पाते हैं परंतु कुछ समय कुछ महीनों के बाद अबॉर्शन हो जाता है, अबॉर्शन या फिर जिसे हम मिसकैरेज कहते हैं या फिर हिंदी में गर्भपात करते हैं, जब भी किसी महिलाओं की समस्या क्रिएट हो जाती है तो उसके कुछ कॉमन से कारण कुछ कॉमन सी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है जिसके कारण ये समस्या ज़्यादातर फीमेल्स में देखने को मिलती है, जिनमें सबसे पहले रहती है PCOD। अगर किसी को PCOD की शिकायत रहती है फीमेल को तो उनके कारण ये समस्या देखने को मिल सकती है। उसके बाद यूटेराइन फाइब्रॉइड, फाइब्रॉइड के कारण भी समस्या देखने को मिल सकती है। अगर फाइब्रॉइड जो अंदर रहते हैं वो उनका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है तो उसके कारण कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो सकती है। उसके बाद थायराइड या कोई अदर बॉडी के जो हॉर्मोन्स इम्बेलेंस रहते हैं तो उसके कारण ये चांसेस बन जाते हैं अबॉर्शन के। उसके बाद कोई एक्सीडेंट हो जाता है, पेट के बल गिर जाते हैं, कोई अदर इंसिडेंट हो जाता है तो उसके कारण भी चांसेस बन जाते हैं अबॉर्शन के। या फिर कोई हेल्थ इश्यू, कोई बीमारी लंबे समय से चली जा रही, कोई अदर कंडीशन क्रिएट हो जाता है हेल्थ इशू का, तो वो भी इसका एक कारण देखने को मिलता है, एक कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाते हैं जिसके कारण फीमेल के अंदर अबॉर्शन के चांसेस बन जाते हैं। तो दोस्तों, जो भी कॉमन सी कॉम्प्लिकेशन है इनमें देखा गया, जब भी किसी को ये कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होती है तो इस दौरान आपको जो कंडीशन जैसे कि PCOD है तो आपको PCOD का ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, फाइरॉयड है तो फाइरॉयड का ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, थायराइड है कोई अदर हेल्थ इशू तो उसका ट्रीटमेंट करवाएंगे, जैसे वो नॉर्मल होगा तो उसके बाद आप दोबारा से कंसीव कर सकते हैं। परंतु कुछ केसेस ऐसे भी देखे गए हैं, ऐसे कुछ नहीं बहुत सारे केसेस देखने को मिले, जब भी किसी को अबॉर्शन यानी कि गर्भपात होता है जैसे वो टेस्ट करवाते हैं और टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आते हैं, यानी कि किसी भी तरह का कारण किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन देखने को नहीं मिलती है और फिर भी उनको कंसीव नहीं कर पा रहे या फिर मिसकैरेज हो जा रहा है। तो उसी कॉम्बिनेशन के बारे में आज हम बात करेंगे। किसी भी तरह का कारण मालूम नहीं है, सब कुछ ठीक होने के बाद भी अगर फैमिली प्लानिंग नहीं हो पा रही, अगर हो रही है फैमिली प्लानिंग तो वो गर्भपात हो रहा है यानी कि अबॉर्शन हो जा रहा है, जिनमें कुछ कॉम्प्लिकेशन कॉमन सी देखने को मिलती है की रिपोर्ट्स में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, जिनमें सबसे पहले रहते हैं अगर फीमेल HB जो उनका कम रहता है यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी देखने को मिलती है तो उसके कारण देखने को मिलती है। उसके बाद हो गया अगर जो यूटरस यानी कि बच्चेदानी अगर वो कमज़ोर है, उसके जो बोल्स रहते हैं अगर कमज़ोर हैं, बहुत ज़्यादा वीकनेस है, डेबिलिटी है तो उसके कारण चांसेस बन जाते हैं अबॉर्शन के। और मैक्सिमम चांसेस अगर रिपोर्ट्स में नहीं आ रहा तो उसका मैक्सिमम कारण देखा गया यूटरस की कमज़ोरी, बच्चेदानी की कमज़ोरी। तो ये इसके दो बहुत ही ज़्यादा कॉमन कारण देखने को मिले, HB की कमी या फिर जो बच्चेदानी यूट्रस उसकी कमजोरी या फिर जो फीमेल्स है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो ये इसका कुछ कॉमन से कारण जो कि आपको रिपोर्ट्स में देखने को नहीं मिलती हैं और आपको लगता है सब कुछ ठीक है परंतु फिर भी आप प्लानिंग नहीं कर पा रहे। तो जो आज कॉम्बिनेशन बताने जा रहा हूँ वो इस हर तरह की जो वॉल्स कमज़ोर हो जाती हैं, फीमेल्स कमज़ोर रहते हैं, उनको सही करने के लिए और फैमिली प्लानिंग को कंसीव करने के लिए अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि इस दौरान आपको घरेलू नुस्खे क्या अपनाने और आपको क्या नहीं करना, मेडिसिन की बात हम बाद में करेंगे। तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं कि घर में हमें क्या करना है। दोस्तों जब भी कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है यानी फैमिली प्लानिंग कर तो उनकी डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, यानी कि मेडिसिन से पहले उनको अपनी डाइट फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आजकल फीमेल्स स्पाइसी जंक फूड ऑयली फूड बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खा रही है जिसके कारण उनका सिर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है, यूटरस कमज़ोरी पहुँच जाए यानी कि जो बच्चेदानी उसकी कमज़ोरी पहुँच जाए देखने को मिलती है और सबसे बड़ा उनका डाइट एक इशू बनता दिख रहा है आजकल, तो आपने डाइट में बहुत अच्छा खाना लेना, ग्रीन वेजिटेबल यानी कि हरी सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, साथ में अगर आप नॉन वेज खाते तो आप उसको भी ऐड करें जिससे आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके। और जैसे कंसीव कर लेते हैं, कंसीव करने की यानी कि प्लानिंग कर रहे हैं तो आपने फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खाने हैं, जैसे कि अनार दूध, क्योंकि आयरन और कैल्शियम आपको इन दो चीज़ों से बहुत ज़्यादा मिलेगी, अगर इससे कि आपका शरीर भी हेल्थी होगा, अगर कंसीव कर पाएंगे तो आपका बेबी की बॉडी यानी कि उनकी बेबी आपका हेल्थी होगा। तो दो चीज़ें आपको कंपलसरी लेनी है, अनार और दूध, साथ में जो फ्रूट्स आपको अच्छे लगते हैं जैसे कि संतरे का मन करता है, मौसमी का मन करता है उसको भी आप ले सकते हैं, बनाना हो गया या फिर साथ में आप सेब जो आपको अच्छे लगते हैं, परंतु जो कंपलसरी है अनार और दूध। तो ये हो गया आपकी डाइट के बारे में जो कि आप अच्छे से जानते होंगे। अब बात करते हैं कि आपको क्या नहीं करना है, जैसे कि मैंने आपको अभी बता दी क्या नहीं करना। तो आपको जब भी आप कंसीव करने वाले होते हैं तो आपने बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर देना नॉर्मल, और एक्सरसाइज बिल्कुल आपने करनी, और एक्सरसाइज
ऐसे करने हैं जिससे कि आप नॉर्मल वॉक कर सके, ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे कि आप चल फिर सके, और ऐसी कोई एक्सरसाइज ना करें जिससे कि आपके पेट पे प्रेशर पड़े या फिर आप कुछ होते हैं कि ऐसे नीचे गिरते हैं, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, थोड़ा उनसे उन चीज़ों को अवॉइड करिए, यानी कि अपने पेट पे ऊपर बल नहीं आना चाहिए, प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। तो ऐसी एक्सरसाइज करिए, तो नॉर्मली वॉक करिए सबसे बेस्ट रहेगा। अगर आप इसको फॉलो करते हैं, डाइट फॉलो करते हो जो बाहर का उसको अवॉइड करते हैं, तो बहुत जल्दी कंसीव करते हो, जिससे कि आपका जो बॉडी वो भी जल्दी इम्प्रूव होता है, हेल्थी होता है, और साथ में जो बच्चेदानी यूट्रस वो भी जल्दी हेल्थी होता है, और HB की कमी भी देखने को नहीं मिलती। तो दोस्तों अब बात करते हैं होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन एंटी मिक्स कॉम्बिनेशन के बारे में, जिसमें कि आपको 5 मेडिसिन लेने हैं जो कि मिक्स करनी है बराबर मात्रा में 30 पोटेंसी में, और लास्ट में एक मेडिसिन बताऊंगा जिससे आपने स्टार्टिंग करनी है इस पूरे कोर्स की। दोस्तों इसमें आपकी 5 मेडिसिन रहेंगे, जिसमें आपकी सबसे पहली होम्योपैथिक मेडिसिन अल्टेरिस फेरिनोसा। दोस्तों बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, जब भी कोई फीमेल बहुत कमज़ोर रहती है, जैसे कि खाना पीना अच्छे से नहीं खाते हैं, या बॉडी पर उनको अच्छे से नहीं लग पाता कुछ भी और शरीर कमज़ोर हो जाता है, या फिर उनके अंदर शरीर में HB यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी पाई जाए, तो उस वीकनेस के कारण उनको ये चांसेस बन जाते हैं कि वो कंसीव नहीं कर पाते हैं, या फिर कंसीव कर पाते हैं तो कुछ समय के बाद, कुछ महीने के बाद अबॉर्ट हो जाता है, गर्भपात हो जाता है, तो उसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन है कोलोफाइलम। दोस्तों कोलोफाइलम जिसे कि वुमेन्स रेमेडी भी कहते हैं, दोस्तों बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन, जिन फीमेल्स का यूट्रस बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहता है, यानी कि बच्चेदानी की कमज़ोरी के कारण कंसीव नहीं कर पा रही है, या कंसीव कर पा रही है तो कुछ महीनों के बाद, कुछ समय के बाद वो अबॉर्ट हो जा रहा है। और देखा गया कि जब भी किसी फीमेल्स का जो यूट्रस यानी कि बच्चेदानी रहती है अगर कमज़ोर रहती है, स्टार्टिंग में एक मंथ के अंदर ठीक रहता है सब कुछ, जैसे जैसे बच्चे का जो बॉडी है ग्रोथ करता है, जैसे बच्चे का वेट बढ़ता है, तो यूट्रस की कमज़ोरी के कारण 2-3 मंथ के बाद अबॉर्ट हो जाता है। तो ऐसे केसेस में कोलोफाइलम बहुत अच्छा रिजल्ट है। तीसरी होम्योपैथिक मेडिसिन है सवाइना। दोस्तों सवाइना बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, इसका स्पेशली एक्शन यूट्रस के ऊपर देखने को मिलता है। अगर आपका शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, HB की कमी है, या फिर आपका यूट्रस कमज़ोर है, उसके कारण अगर आपको समस्या देखने को मिल रही है, आप कंसीव कर ही नहीं पा रहे हैं, या फिर कंसीव कर पा रहे हैं परंतु कुछ महीनों कुछ समय के बाद अबॉर्ट हो जाता है, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट है, यानी कि यूट्रस को एज ए टॉनिक वर्क करते, यूट्रस को मजबूत करते उसके बाल्स को, ताकि वो बार बार सी समस्या ना हो। किसी पर फीमेल्स में देखा कि हैबिचुअली एक बार होता है फिर से हो जाता है, फिर से यानी कि हैबिचुअली उनको बार बार ही समस्या होती रहती है, तो ऐसी कंडीशन में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है सवाइना। नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन विवर्ना ओपुलस। दोस्तों बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, जिन फीमेल्स में बार बार मिसकैरेज होता रहता है, गर्भपात होता रहता है, उनका यूट्रस बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो उस टेंडेंसी को ये ख़त्म करने के लिए, रोकने के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है, यानी कि प्रिवेंशन का काम करती है, तो ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन। लास्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है सेकल कोर। दोस्तों बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन, जिन फीमेल्स जो कंसीव नहीं कर पाते हैं, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं परंतु कंसीव नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारणवश, और साथ में अबॉर्शन भी हो जाता है, मिसकैरेज होता है, और स्पेशली दूसरे तीसरे मिनट हर बार उनकी ये टेंडेंसी बार बार अबॉर्ट होता रहता है, यानी कि गर्भपात होता रहता है दूसरे तीसरे महीने के बाद, तो ऐसी कंडीशन में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। दोस्तों ये आपने मेडिसिन 30 पोटेंसी में लेनी है सारे, और बराबर मात्रा में मिक्स करनी है। दोस्तों ये कॉम्बिनेशन बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, अगर आपको कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कंसीव कर पा रहे हैं कमज़ोरी के कारण, या किसी जो यूट्रस की कमज़ोरी रहती है, किसी अदर वीकनेस के कारण, या किसी अदर कोज के कारण जो है आगे अबॉर्शन हो जा रहा है, तो उसको कवर करने के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, यानी कि एज ए टॉनिक काम करता है। अब बात करते हैं कि इस कॉम्बिनेशन को किस तरह से यूज़ करना चाहिए। दोस्तों जब भी आप फैमिली प्लानिंग करते हैं, या फिर जब फैमिली प्लानिंग कर लेते हैं परंतु वो अबॉर्ट हो जाते हैं, गर्भपात होता है, फिर से आप फैमिली प्लानिंग करते हैं, तो जब भी आप फैमिली प्लानिंग करें उसी समय से आपने इस कॉम्बिनेशन को यूज़ करना। इस कॉम्बिनेशन की आपने 3-4 बूंदें डायरेक्टली टंग के ऊपर डालनी है, सुबह दोपहर शाम को, खाना खाने से आधा घंटा पहले या बाद में कभी भी ले सकते हैं। अगर महिला डायरेक्टली टंग पे नहीं ले पाते तो उस दौरान आपने 1 चम्मच पानी के अंदर 7-8 बूंदे इस कॉम्बिनेशन के डाल के वैसे आपने इसका इस्तेमाल करना। दोस्तों दूसरी मेडिसिन आपने यहाँ पे यूज़ करनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस कॉम्बिनेशन का, एंटी मिक्स कॉम्बिनेशन का। जब भी आप इस कॉम्बिनेशन को यूज़ करेंगे तो उससे पहले आपने एक होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी, उसी के बाद आपने इस कॉम्बिनेशन को स्टार्ट करना। और दोस्तों उस होम्योपैथिक मेडिसिन का अर्निका 200 पिक्चर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जहाँ से आप अच्छे से देख लीजिए। दोस्तों बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन, अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, ये कंसीव कर पाते हैं फिर अबॉर्ट हो जाता है, या हैबिचुअल यानी कि बार बार अबॉर्शन होता रहता है, तो उस दौरान बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, और ये एंटी मिक्स कॉम्बिनेशन को बूस्टअप का काम भी करती है। तो आपने सबसे पहले लेनी अर्निका 200
200 पोटेंसी में 3-4 बूंदे डायरेक्टली टंग पे लीजिए, या फिर एक चम्मच पानी में डाल के 7-8 बूंदे डाल के, वैसे भी आपने सिर्फ एक ही डोज लेना है, और उसके 24 घंटे, यानी कि अभी आप लेते तो कल इसी समय से आपने एंटी मिस कॉम्बिनेशन स्टार्ट करना, यानी कि एंटी मिस कॉम्बिनेशन 24 घंटे के बाद स्टार्ट करना अर्निका मेडिसिन के बाद। तो इस तरह से अगर आप इस मेडिसिन को यूज़ करते तो आप जो भी आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं या फिर बार बार अबॉर्शन हो रहा है या मिसकैरेज हो रहा है तो वो टेंडेंसी खत्म हो जाए, और आप जो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं वो बिल्कुल कंसीव हो जाते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में आपको दिखा देगी रेड कलर की सब्सक्राइब के बटन तो उसको भी कर दें प्रेस, साथ में आपको दिखा देगा बेल का आइकन तो उसको भी कर दें प्रेस, जिससे कि आप हमारे इस यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।